यूपी में सुबह ताजमहल में बम रखे होने की खबर आई और अब लखनऊ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी पुलिस के महिला सुरक्षा पावर लाइन मुख्यालय में बम की सूचना मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लखनऊ के 1090 के पूरे मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन में डॉग और बम स्क्वाड की भी मदद ली गई। कई घंटों की चेकिंग के बाद ये सूचना भी फर्जी निकली और अब पुलिस कॉल कर गलत जानकारी देने वाले की तलाश कर रही है। इस मामले पर लखनऊ पुलिस का कहना है कि सुबह करीब 11:30 पर एक कॉल आई जिसमें सूचना दी गई कि 1090 मुख्यालय में बम है। इसके बाद मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से बम खोजने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे परिसर में कहीं भी बम नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह का सर्च ऑपरेशन आगरा के ताजमहल परिसर में भी चलाया गया था जिसमें CISF की टीम ने छानबीन की थी और उस दौरान पर्यटकों और CISF के बीच झड़प भी हो गई थी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।